तो ये देखें जी, मैं कर रही हूँ आलू बॉयल बच्चों के लिए, उनको बना के देने हैं आज पराठे। पापा इनके चले गए हैं अपने काम पे और बच्चे अभी भी छत पे सो रहे हैं। एक बंदा तो पकड़ा गया। ये देखें जी, ये लोग सो रहे अभी भी। और ये दोनों अभी भी सोए हुए हैं, इनके फेस पे धूप पड़ रही है, इनको बना के देते हैं छाँव। काका मेरी वीडियो बनाए, इधर खड़ा होके पकड़ो छाँव बनानी, पतड़ ले। ये देखें, बात नहीं मान रहा मेरी। ये देखे, ऊपर है ठंडा और इसीलिए अभी तक सोए हुए हैं। ये भी निकालते हैं इनके नीचे से छांव बनाने के लिए। बादल तो बड़े आए थे लेकिन मौसम ठंडा है। चलें जी, फिर 2 घंटे और सोए रहेंगे। मम्मा वो देखे, हाँ बड़ी ठंड हो गई थी रात को और कौवा शोर कर रहा है। हमारे घर आज तक कोई आया तो नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है कौवा क्यों शोर कर रहा है। और एक इधर पानी पी रहा है, ये देखे ये पानी पी रहा है और एक शोर कर रहा है। पानी किधर से आ रहा है यहाँ पे, जबकि टैंकी तो आधी भरी थी। मैं मुझे लग रहा है कि टैंकी लीक तो नहीं होने लगी, इसका ढक्कन खोल के चेक करना पड़ेगा। ये देखिए, ढक्कन को बड़ी मुश्किल से खोल लिया है मैंने। अब मैं जाती हूँ मोटर चलाने के लिए। नीचे बहुत सेक हो गया क्योंकि आलू उबल रहे हैं ना, इसलिए टंकी को भर लें। बिजली का कोई पता नहीं होता। चलें जी, अब क्या कर रहे हो? मैंने मोटर चलाई है ताकि टंकी भरे। इधर ही बैठ जो, अभी नीचे आलू बॉयल हो रहे हैं, मैं भी यहाँ बैठने वाली। बनाओ बनाओ जल्दी जल्दी, पहले मेरा बनाना। चलो चलो, अस्सलामुअलैकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे, आपकी दुआ से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक है। आज देखिए मैंने क्या किया। आज मम्मा बना रही हैं आलू के पराठे, क्योंकि मम्मा ने वो जो है ना सब्जियां बनाई हुई थी वो मुझे खाई नहीं जाती। नहीं पसंद तो है लेकिन खाई नहीं जाती। टिंडे में पहले भी इतने खाती हूँ लेकिन मम्मा वो भी सब्जियाँ पहले खाती होती थी। टिंडे खाती मैं पहले भी खाती हूँ, खाती हूँ नहीं खाती थी। टिंडे तोरियां कद्दू वगैरह के सालन होते हैं ना, ये बड़े अच्छे हाँ। होते हैं सेहत के लिए, लेकिन मुझे खाई नहीं जा रहे। कल भी मैंने मसा आलू आलू कल भी मैंने कद्दू क्या होता है, चाय के साथ रोटी खाई थी सुबह और दोपहर टाइम चावल चूल खा लिए थे। और आज मम्मा इसीलिए आज मम्मा सुबह उठते ही ना, जैसे इनके पापा का नाश्ता कंप्लीट किया ना, और जैसे इनके पापा का नाश्ता मैंने कंप्लीट किया तो मैंने आलू बॉयल करने रख दिए। मैंने कहा वो कल भी कह रही थी कि मैंने बहुत मुश्किल से रोटी खाई है, मेरे से नहीं खाए जाते ये। कल ही मैं आलू के पराठे के बारे में सोच रही थी, आज मम्मा ने बना दिए सारे ना आलू बॉयल किए, पानी पुनी भरा और यहाँ से पानी नीचे को आने लग गया। ओवरलोडिंग होके टंकी की टंकी कहने वाली थी। तो गाइस ये होती है मम्मा जो समझ जाए कि आप क्या सोच रहे हो, क्या खाने का सोच रहे हो। और बारिश की बाहर भी गीली हो रही है इसकी वजह से, क्योंकि उन्होंने जब टंकी ऊपर से नीचे रखी थी ना तो यहाँ से बाहर वाली साइड से उन्होंने तोड़ के ना पाइप वगैरह का कुछ किया था, मुझे तो पता नहीं, इनके पापा ने ही देखा था, जिसकी वजह से तो जैसे जैसे ये गिरे थे ना तो वैसे नमी पड़ पड़ के वो गीली हो होके हल्की होती जाएगी, और किसी दिन अंधेरी आ गई तो वो भी गिर जाएगी तो हम सारे नीचे आ जाएंगे लैंडर के। इसका मतलब ये हाँ ऐसे कह रही है
नहीं मैं कॉर्नर वाली दीवार की बात कर रही हूँ, और आज मौसम भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा, प्यारा हो रखा है। वायर से भी वो टूटा हुआ है ना, वहाँ पे तो ना कुछ पानी गिरता कुछ भी नहीं होता, तो फिर वायर से कैसे टूटता पता नहीं। तो फिर इसलिए तो मैं कह रही हूँ अगर पानी भी पड़ गया तो वो ज्यादा जल्दी टूटने लग जाए। जी हमने तो आप लोगों को ठीक दिया था, हमने ठीक ही लेना, मेरा पेट गुड़ गुड़ कर रहा है, मुझे नहीं आ रही, और मेरे साथ में मिट्टी बड़ी आ रही है क्योंकि कल भी नहीं शैम्पू हमें मिले। मम्मा बताओ मुझे सबसे ज्यादा कौन से वेजिटेबल वाली चीजें पसंद है? मुझे करेले पसंद। सालन में नहीं, ऐसे ही जंक फूड में भी सबसे ज्यादा कौन से वेजिटेबल वाली पसंद है जिसके आप पराठे बना रही हो? दही ज्यादातर समोसे पराठे आलू टिंडिया बनानी थी। क्या आलू टिंडिया? सब्जी वाले आए? आलू टिंडिया नहीं, आलू वो शिमला नहीं, वो क्या कहते हैं उन्हें, आलू पलिया। हाँ वो मंगवाएंगे जहाँ से तेरे पापा लेके आते थे ना अपने चिप्स के काम वाला रास्ता, वहाँ से मिलेंगे। अब जल्दी जल्दी आप पराठे भी बनाओ ना, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। बस चिबा जी मैं हंस रही थी, मैं तो सोच रही थी नाश्ता तैयार करते और छत पे जाके बैठते हैं ना, बड़ा मजा आता। ऊपर छांव तो मैं पहले ही बनाई थी। चले जी ये देखें जी कितना प्यारा पराठा। अगर मैंने ये पूरा ना खाया तो मेरा नाम बदल देना। रोटियां सारी बांध गई, रोमन अपनी रोटी लेकर चला गया छत पे क्योंकि कमरे में सारी बात है, गर्मी हो जाती है। ये भी बंद किया हुआ है, ऊपर वाला भी बंद किया हुआ है, अगर हम पंखे बंद नहीं ना करते तो आवाज नहीं सही तरह वीडियो में जाती। काके ना तोते तंग कर, और अब मैं भी नाश्ता कर लूं कैमला की तरह, मेरा भी पेट गुड़ गुड़ कर रहा है। चीनी खाने से बंदा मत आता है लेकिन लागे लागे। हाँ क्या है किस चीज में डाल के रखा हुआ है? ठंडा पानी है इसका, ये ऊपर इंजे लाग रहा है। तो तू बना ले, खाए मेरी रोटी बना लूंगा। नीचे आ जा तो चलें जी, अब मैं अपना पराठा खा लूं क्योंकि मैं रोटी गरम गरम ही खा सकती हूँ, ठंडी होगी तो मेरे से नहीं खाई जाएगी। तो ये देखें जी बच्चों का नाश्ता हो गया कंप्लीट, अब ये कर रहे हैं जी अपने स्कूल का काम। ये देखें कैमला और अनमोल पढ़ा रहा है जी रोमन को। इधर बन चुकी है जी हमारी चाय, ये देखें, और कुकर को रख दिया है मैंने इसके ऊपर, ये देखे चूल्हा जल रहा है। और रोमन हमेशा मुझे डराता है जब भी इसमें मैं कुछ बनाऊँ, दाल हो चने हो कुछ भी, कि ये ऐसे हो जाना वैसे हो जाना। तो चलें जी अब हम पीते हैं अपनी चाय, नाश्ता हो गया फिनिश, बस अब यहाँ से झाड़ू वगैरह लगाएंगे, जगह को साफ करेंगे। तो कैमिला क्या कहोगी फ्रेंड में? अल्लाह हाफिज़।